बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन, व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। मौज़ू गुफ्तगू मुब्तलात नमाज, यानी नमाज को बातिल करने वाली चीज़ें। छठी चीज़ जो नमाज को बातिल करती है वो है नमाज में किसी भी तरह की बात करना। अगर जानबूझ के बात की और एक जुमला कहा या हत्ता एक कलमा कहा तो नमाज बातिल हो जाएगी। जुमले से मुराद मैं जा रहा हूँ, कलमे से मुराद मैं। हत्ता अगर कोई एक हरफी लफ्ज़ भी कह दिया, यानी बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो एक हर्फ के होते हैं, अगर वो भी कह दिया जानबूझ के तो नमाज बातिल हो जाएगी। एक हरफी लफ्ज़ चाहे उसके माना हो और चाहे उसके माना ना हो, वो अल्फाज के जिनके माना हैं और एक हरफी हैं, मिसाल के तौर पे अरबी में क़ी, काफ के नीचे ज़ेर यानी कसरा, क़ी, इसके माना है बचो, अपनी हिफाजत करो। बस अगर कोई नमाज में किसी से कहे की तो नमाज उसकी बातिल हो जाएगी। या अगर इंग्लिश के वर्ड का इरादा करे और ए कहे और ए से उसकी मुराद हो किसी को बुलाने की यानी ए, तो इससे भी नमाज बातिल हो जाएगी। और अगर उर्दू का अलिफ मत के साथ कहे आ, यानी अगर कोई किसी को बुलाने के लिए लफ्ज आ कहे, तो गो के एक हरफी है तो भी नमाज बातिल हो जाएगी। लिहाजा असल मौजू है नमाज में गुफ्तगू करना, चाहे वो जुमला हो, चाहे वो लफ्ज हो और चाहे वो एक हर्फ हो। तो ये तो मिसालें थीं उन हरूफ की के जिनके माना हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा हर्फ कहा जाए कि जिसके माना वो ना हो लेकिन हम कुछ कहना चाह रहे हैं उससे, लेकिन कोई हर्फ अदा करें, मिसाल के तौर पे कोई हमसे पूछे नमाज के दौरान कि ए को पैसे दूं यानी अनवर को पैसे दूं या जैद को पैसे दूं यानी जैद से, और वो हमसे कहता है कि हम ए कह दें या जैद कह दें। अब यहाँ पर ए गो के एक अल्फ़ाबेट है, लेकिन अगर इससे मुराद है हमारी कुछ कहने की, गो के ए के माना जो है वो अनवर नहीं है, जैद के माना जैद नहीं है, लेकिन अगर हमने इसके बाद भी ए कहा या जैद कहा तो नमाज बातिल हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या नमाज के दौरान किसी को किसी काम की तरफ मुतवज्जे किया जा सकता है? तो कहा जाएगा कि हाँ, बाज़ अस्कार को बुलंद आवाज़ से पढ़ दिया जाए, अलबत्ता नियत जिक्र की हो। मिसाल के तौर पे रुकू में जाने से पहले अल्लाह अकबर हमें कहना था किसी की तवज्जो दिलाने के लिए, जैसे कि बच्चा गिरने वाला था, हमने अल्लाह अकबर तो कहना ही था और इरादा जिक्र का है कि अल्लाह अकबर कह रहे हैं, लेकिन हमने ज़ोर से कहा तवज्जो दिलाने के लिए, अलबत्ता ये इतने ज़ोर से ना हो कि जो नमाज से हम खारिज हो जाएं, यानी चीख के ना कहा जा रहा हो। मिसाल के तौर पे कहा जा सकता है कि जब कमरे में हम हैं, अल्लाहु अकबर, मुराद क्या है कि कुछ लोग मुतवज्जो हो जाएं और समझ जाएंगे कुछ हो रहा है। अब जब करीब आएंगे वो देख लेंगे कि बच्चा गिरने वाला है फ़र्ज़ करें, या ये कि बच्चा कोई काम ऐसा कर रहा है कि जो ख़तरनाक हो सकता है, कोई शीशे की चीज़ उठा रहा है, शीशे की चीज़ की जानब बढ़ रहा है, तो इस तरह से मुखातब किया जा सकता है। इसी तरह से अगर नमाज जहरी है यानी बुलंद आवाज़ से पढ़ने की है और उसमें हम मसरूफ़ हैं तिलावत सूरह हम्द में या सूरह में कि जिसे बुलंद आवाज़ से पढ़ना है, फ़र्ज़ करें कि हम पढ़ रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तवज्जो दिलाने के लिए अर्रहमानिर्रहीम, लेकिन इतना बुलंद नहीं कि चीखने की किस कैफियत हो जाए और नमाज की हालत ख़त्म हो जाए। आवाज़ बुलंद हो जाए लेकिन एक
नॉर्मल हद तक, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई इस तरह की आवाज़ निकाली जानबूझ के कि जो दो हरूफ की या एक हर्फ की है और उसके अरबी या उर्दू या किसी ज़बान में माना है, आवाज़ है लेकिन उसके ख़ास माना है और हरूफ से मिलके बनी है, मिसाल के तौर पे कोई नमाज में कहे आह, आह दर हकीकत एक लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ हिकायत करता है यानी बयान करता है मुश्किलात को। मिसाल के तौर पे मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जगह इरशाद फरमाते हैं, आह मिन क़िल्लत ज़ात व बुअद सफ़र, आह यानी अफसोस कि मेरा ज़ाद राह कितना कम है और सफ़र कितना तवील और मंजिल कितनी दूर है। तो गो के लफ्ज़ आह मुख्तसर सा एक लफ्ज़ है और एक कैफियत के बारे में आवाज़ है, लेकिन इससे भी नमाज बातिल हो जाएगी। लेकिन अगर कर दिया जाए या हूँ कह दिया जाए, हूँ कह दिया जाए, तो इससे नमाज बातिल नहीं होगी। लेकिन अगर इसकी जगह कोई लफ्ज़ कह दिया जाए या कोई हर्फ कह दिया जाए तो उससे नमाज बातिल हो जाएगी। हत्ता अगर अल्लाहु अकबर भी कहा जाए ज़िक्र की नियत से तो नमाज सही है, लेकिन अगर वो ज़िक्र की नियत से ना कहा जाए, किसी बात को समझाने के लिए कहा जाए और हमारे अल्लाहु अकबर कहने का मकसद ज़िक्र ना हो, तो यहाँ भी एहतियात यह है कि नमाज बातिल हो जाएगी। बस अगर हम कहना चाहें अल्लाहु अकबर तो उससे पहले इरादा करें कि हम अल्लाह सुबहाना व तआला का ज़िक्र कर रहे हैं, और अगर अल्लाहु अकबर की जगह नहीं है तो फिर कोशिश करें कि जो चीज़ कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे समय अल्लाह लिमन हमिदा, हम इस जगह पे थे तो वहाँ पर ज़रा सा आवाज़ को बढ़ा दें। लेकिन अगर हम पहली और दूसरी रकत में सूरह हम्द और सूरह में मसरूफ हैं और नमाज है ज़ोहर या असर की कि जिसे आहिस्ता पढ़ना है, तो यहाँ पर हम जानबूझ के नहीं कह सकते इहदिना सिरातल मुस्तकीम तो कहा जाएगा, ये अगर जानबूझ के कहा तो नमाज बातिल हो जाएगी, क्यों कि इसे आहिस्ता पढ़ना था और हमने जानबूझ के ज़ोर से पढ़ दिया। ऐसे में अगर जल्दी में तवज्जो दिलानी हो तो हम फ़र्ज़ करें कि दिल ही दिल फ़र्ज़ करें कि हम आहिस्ता पढ़ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, अब हमें किसी को मुतवज्जे करना है तो मालिक यौमिद्दीन पर रुक जाएं और अल्लाहु अकबर इस नियत से कहें कि हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं अल्लाहु अकबर, ताकि किसी की तवज्जो हो जाए, और जब तवज्जो हो जाए तो अब यहाँ से हम शुरू करें इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन। लेकिन अगर मगरिब की नमाज है, ईशा की नमाज है, फज्र की नमाज है तो बीच में हम आवाज़ को बेकदर ज़रूरत इतना बुलंद कर सकते हैं कि चीखने जैसी कैफियत ना हो जाए। अब यहाँ पर एक सवाल जहन में आ सकता है, आया नमाज के दौरान कुरान मजीद की तिलावत की जा सकती है? तो जवाब यह है कि वो चार आयतें कि जिनके बाद पढ़ने के बाद या सुनने के बाद सजदा वाजिब हो जाता है, उनके अलावा बाकी आयात को पढ़ा जा सकता है। और इसी तरह से किसी को तवज्जो दिलानी हो तो उन आयात की तिलावत का इरादा करके भी तवज्जो दिलाने में कोई हर्ज नहीं है। सलाम के बारे में चंद सवाल जहन में आ सकते हैं, तो पहले मरहले में याद रहे कि सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है और फौरन जवाब देना वाजिब है। और फौरन से क्या मुराद, यानी उर्फन यानी जनरल पब्लिक के नज़दीक बहुत ज़्यादा लेट ना हो गया हो, किसी ने कहा सलाम अलैकुम, हम फौरन कहें एक दो सेकंड, तीन सेकंड, चार सेकंड, मुमकिन है किसी और जानिब तवज्जो एकदम से मुतवज्जो हो, वालेकुम अस्सलाम। लेकिन अगर टाइम गुजर गया तो फिर जवाब देना वाजिब नहीं है। इसी तरीके से अगर किसी ने सलाम किया एक मजमे को और मजमे में से एक शख्स ने भी जवाब दे दिया तो बाकी अफराद पर जवाब देना वाजिब नहीं है। अब क्योंकि सलाम का जवाब देना वाजिब है तो यहाँ पर एक सवाल उभरता है जहन में कि अगर नमाज पढ़ रहे हों तो क्या
सलाम का जवाब देना वाजिब है तो जवाब दिया जाएगा कि हाँ सलाम का जवाब देना हत्ता नमाज में भी वाजिब है, चाहे मर्द सलाम करे चाहे औरत सलाम करे, या ऐसा बच्चा सलाम करे कि जो अच्छाई और बुराई की तमीज़ रखता हो। सलाम के जवाब के बारे में मुस्तहब है कि जवाब सलाम से बेहतर हो, यानी अगर किसी ने कहा सलाम अलैकुम तो मुस्तहब है वो कि हम कह सकते हैं वालेकुम अस्सलाम काफ़ी है, लेकिन मुस्तहब है कि उससे बेहतर हो जवाब, यानी अगर किसी ने कहा सलाम अलैकुम तो बेहतर है कि हम जवाब में कहें वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह या वरहमतुल्लाह वबरकातु। लेकिन नमाज में जवाब देना तो वाजिब है पहली चीज़, यानी नमाज में भी जवाब देना है, लेकिन कब कि जब हमें मालूम हो कि ये सलाम हमें किया जा रहा है। लेकिन अगर हमारे जवाब देने से पहले कमरे में और अफराद थे उन्होंने जवाब दे दिया तो फिर हम पर लाजिम नहीं है कि जवाब दें। इसी तरह से कमरे में बहुत सारे अफराद थे और हमें नहीं मालूम कि सलाम इसने हमें किया है, मुमकिन है किसी और को किया हो, जैसे कि आमतौर पर देखने में आया है कि हमारे माशरे में खुसूसन अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसको सलाम नहीं करते, जो बैठा हुआ है उसको सलाम करते हैं। तो अगर हमें ये यकीन है कि इसने सलाम हमें नहीं किया बल्कि सामने बैठे हुए फ़र्द को किया है तो फिर हम पर जवाब देना वाजिब नहीं। लेकिन अगर हमें यकीन है कि सलाम में इसने हमें शामिल किया और कई अफराद बैठे हैं तो ऐसी सूरत में हम पर भी जवाब देना वाजिब है और दूसरों पर भी जवाब देना वाजिब है। लेकिन अगर उनमें से किसी एक ने जवाब दे दिया तो अब हम पर से जवाब देना साकित हो गया, यानी अब हमें जवाब देना वाजिब नहीं है। जवाब कितना देना है, आम हालात में तो बेहतर है कि तफसील से जवाब दिया जाए और सलाम से बेहतर जवाब हो, लेकिन नमाज में जैसा सलाम किया है उन्हीं अल्फाज में जवाब देना है। मिसाल के तौर पे किसी ने कहा अस्सलामु अलैकुम तो आप जवाब में कहें अस्सलामु अलैकुम, या कोई कहे अलैकुम अस्सलाम तो आप जवाब में कि अलैकुम अस्सलाम, जो सलाम जिस तरह से करे उसी तरह से उसको उन्हीं अल्फाज में जवाब दें, उससे ज़्यादा जवाब नहीं दे सकते। अलबत्त वो शरायत आपके सामने बयान हुई कि हमें बताओ कि हमें सलाम किया है या उस ग्रोह को सलाम किया है जिसमें से हम एक हैं। अब यहाँ पर सवाल करते हैं अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो और सलाम का जवाब ना दे तो जवाब यह है कि उसने गुनाह किया, आया इस गुनाह के ज़रिए से नमाज बातिल होगी तो जवाब यह है कि इसने गुनाह तो किया लेकिन इससे नमाज बातिल नहीं होगी। और इस जानिब हम तवज्जो दिलाएं कि मुख्तलिफ चीज़ों को बातिल करने वाली मुख्तलिफ चीज़ें हैं, हर हराम चीज़ किसी भी इबादत को बातिल नहीं करती, हर हराम चीज़ बाज़ चीज़ें बातिल करती हैं बाज़ चीज़ें बातिल नहीं करती। मिसाल के तौर पे गुस्ल बातिल होने के लिए कुछ चीज़ें हैं, वज़ू बातिल होने की कुछ चीज़ें हैं, नमाज बातिल होने की कुछ चीज़ें, रोज़ा बातिल होने की कुछ चीज़ें, एतकाफ़ बातिल होने की कुछ चीज़ें, अगर कोई रोज़े में खाए पिए तो रोज़ा बातिल हो जाएगा, लेकिन रोज़े में अगर कोई शख्स गाना सुने तो ये काम हराम है लेकिन रोज़ा बातिल नहीं होगा। अब ये और बात है कि रोज़े का सवाब कम हो जाएगा, कबूलियत के दर्जे पे नहीं पहुंचेगा, लेकिन बातिल नहीं है, बातिल होना एक अलग मौसम है बिल्कुल। तो सलाम का जवाब अगर किसी ने नहीं दिया तो उसने गुनाह किया, मासियत की, एक वाजिब का तर्क किया, और वाजिब का तर्क करना खुद हराम अमल है, लेकिन इससे नमाज बातिल नहीं होगी, नमाज इसकी सही मानी जाएगी। अगर कोई मजाक में सलाम करे तो उसका जवाब देना वाजिब नहीं। इसी तरह से अगर कोई गलत सलाम करे, मिसाल के तौर पे क्या सलाम अलैकुम, ये जैसे बच्चों से बाज़ दफ़ा लोग कह रहे होते हैं कोई मजाक में कमरे में दाखिल हो, उसका भी हमने बयान किया, या ये कि दाखिल हो और अस्सलाम अलैकुम की जगह शाम अलैकुम शाम अलैकुम इस कैफियत में सलाम करे तो इसका जवाब भी वाजिब नहीं है। अगर कोई काफिर सलाम करे तो उसे जवाब में फ़कत अस्सलाम कह दें या वालेका कह दें तो ये काफ़ी है, लेकिन ये तसव्वुर कि उसे जवाब नहीं देना है ये गलत है,
जवाब उसे भी देना है। सलाम के बारे में इस्लाम में बहुत तवज्जो दिलाई गई, लिहाजा बाज़ जगह जो सलाम के आदाब बयान हुए उनमें से पहला तो यही है कि सलाम से बेहतर जवाब हो, और इसी तरीके से जो सवार है वो प्यादे को सलाम करे, जो आया है वो सलाम करे, इसी तरीके से छोटा बड़े को सलाम करे, लेकिन अगर बड़ा छोटे को सलाम करे ये भी बहुत अच्छा अमल है। इस तरीके से जिसके घर कोई आया हो वो अगर सलाम में पहल करे ये भी बहुत अच्छा है। इसी तरीके से जो प्यादा है यानी पैदल चल रहा है वो सवार को सलाम करे ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन बेहतर यह है कि जो सवार है वो पहल करे और प्यादे को सलाम करे और छोटा बड़े को सलाम करे, और इसी तरह से जो खड़ा है वो बैठे को सलाम करे। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को सलाम करें, बाज़ दफ़ा ये भी होता है, जान तवज्जो रहे कि एक ने सलाम किया दूसरे ने जवाब दिया, और बाज़ दफ़ा दोनों एक दूसरे को और दोनों बैक वक्त कहते हैं सलाम अलैकुम, दूसरा भी उसके साथ ही साथ कहता है सलाम अलैकुम, तो यहाँ दोनों ने सलाम किया है, दोनों पर जवाब वाजिब है। ये गुफ्तगू है खालिस सलाम की, हेलो हाय और बाज़ दीगर जो कलमात मरसूम हैं वो गो के जायज़ हैं, जायज़ इस हद तक के सलाम की जगह तो नहीं ले सकते, और मुसलमानों को सलाम की जगह उसे देनी भी नहीं चाहिए और सलाम को मुकद्दम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई सलाम के बाद या सलाम से पहले या ये कि सलाम अगर उसने नहीं किया तो कोई हराम काम नहीं किया, लेकिन अदब यही है तहय्यतुल इस्लाम अस्सलाम के, इस्लाम में जो तहय्यत है वो अस्सलाम है। तो अगर कोई और जुमला कहा जाए तो जवाब वाजिब नहीं है उसका, हेलो हो हाय हो या इसके अलावा कोई चीज़ कही जाए तो जवाब वाजिब नहीं है। जवाब वाजिब होता है सिर्फ़ और सिर्फ अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैक, अस्सलामु अलैकुन्ना, कि जहाँ पर अस्सलाम हो। ये थी एक मुख्तसर सी गुफ्तगू सलाम के बारे में, और साथ ही असल मौजू ये था कि दौरान नमाज गुफ्तगू से नमाज बातिल हो जाती है। खुदावंद तबारक व तआला से दुआ है कि बहक मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें अपनी अपने रसूल अपनी हुज्जतों खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मारफत और इताअत की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन।